नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए आज निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने देखेंगे तो 10 पॉइंट ऊपर जाके आज मार्केट ने क्लोज दिया। देखिए मार्केट को सिनारियों को देखिए कि मैंने बार बार एक ही चीज़ आपको बताया था कि 21,888 ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये पूरा के पूरा जो जोन अभी चल रहा है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 21,888 को नहीं निकलेंगे और निकल के इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा तभी जाके हमारा जो मतलब ऑल टाइम टारगेट है 22,222 का तो ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो देखिए मार्केट में आज क्या है, नया साल है। तो नया साल में क्या है, थोड़ी बहुत मेरे को जो लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को। जैसा देखिए टॉप में जाके जैसे ऐसे कोई कैंडल बनता है ना तब एक डरने वाली चीज़ हो जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। क्योंकि टॉप को जाने वाली और यहाँ पे आके क्या है मतलब 21,822 से 21,888 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं तो इसको नज़रअंदाज रखिए। क्योंकि यहाँ से जो कैंडल हम लोगों को दिखा रहे वो कैंडल भी एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल बन सकता है जो इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। कहाँ तक, 21,666 तक, ठीक है 66 तक लेके आ सकता है। यह तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहाँ होगा, 21,522 में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कल के लिए है हमारा बैंक निफ्टी में, पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड हुआ। देखिए बैंक निफ्टी में जाके देखेंगे आज उतना खास हुआ नहीं, यहाँ पे एक बार आके मतलब क्लोज दिया, यहाँ से ऊपर में चला गया, यहाँ पे आके एक फ्लैग पैटर्न बनाया तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे के देखेंगे यहाँ पे पूरा के पूरा जो जोन बनाया एक अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे पूरा के पूरा जो मतलब टाइम था ये पूरा के पूरा ऑप्शन सेलर का था ना तो ऑप्शन बायर का था। उसके बाद इसको जब ब्रेक किया तब हमारा कुछ टारगेट बना और वो टारगेट कहाँ तक चला गया, जो हमारा टारगेट था 48,488 यहाँ पे, ठीक है 444 ये तो हमारा था ही कि 48,444 ये इसके ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तो ऊपर तरफ नहीं जाएंगे। तो कल भी मतलब उसके पहले दिन भी यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया था, आज भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर देखिए गिरावट, देखिए कितना बढ़िया गिरावट। और जाके कहाँ पे जाके मतलब क्लोज हुआ ये 48,064 पे जाके ये यहाँ पे क्लोज हुआ। तो कल देखते हैं कल कैसे हम लोग एनालिसिस करके कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये जो भी हुआ इसके इसको करने के लिए HDFC बैंक भी शामिल था, ICICI भी शामिल था, एक्सिस भी शामिल था और SBI भी शामिल था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको ये सब नहीं देखेंगे ना कुछ भी फायदा नहीं होगा। देखिए क्या हुआ, HDFC पे देखेंगे गिरावट, ICICI में देखेंगे यहाँ से गिरावट, एक्सिस में देखेंगे यहाँ से गिरावट और स्टेट बैंक के जाके देखेंगे यहाँ से गिरावट। तो सभी के गिरावट की वजह से बैंक निफ्टी ने उतना बढ़िया एक रैली दे दिया, जहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया है वहाँ से सबसे ज़्यादा रैली दे दिया। तो इसको अच्छे तरीके से देखना। चले अब देख लेते हैं कल के लिए हम लोग कहाँ से कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 48,066 में, तो इसको फिर से 48,022 तक लेके आ सकता है। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इस लेवल पे कोई रेंज बनाया, रेंज को ऊपर में जाके क्लोज हुआ तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन रेंज को तोड़ा तब समझो कि इसको 47,933 इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 47,888 ये सब टारगेट हमारे लिए निकल के आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है 47,666 तो इसको अच्छे तरीके से देखना। नीचे की तरफ गया और ऊपर की तरफ गया, समझो कि 48,100 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद 48,133 इसको निकाला तब हमारा जो पहला वाला टारगेट होगा वो होगा 48,222, दूसरा टारगेट होगा हमारा 48,333 और तीसरा टारगेट जो आज के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट था जहाँ से सबसे ज़्यादा सेलिंग आया है 48,444। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना तरीके से एक बेहतरीन एक सेलिंग आया और सेकंड हाफ में सेलिंग आया तो इसको सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि कल थोड़ी बहुत इसको रैली और ज़्यादा मिले तो ये हम लोग मतलब देख सकते हैं कल रैली। ऐसे नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे की तरफ जा सकते हैं मार्केट, तो इसके लिए तैयार रहना कल के लिए।
क्योंकि इसके अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से ये सब देखना है। इसके साथ साथ आपको कंपोनेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कंपोनेंट आपको देखना। और आप लोग चाहे तो हमारा लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच जो होता है और सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक, तो उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं नीचे दिया है लिंक, जाके पेमेंट कीजिए और पेमेंट होने के बाद ही आप लोग उस वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे 1000 ये कूपन कोड लगाना तो आपको 1000 रुपीज़ ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो हमारे नीचे दिया है लिंक पे जाके आप लोग मतलब अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग निफ्टी में बोलते हैं। देखिए निफ्टी के लिए ये जो जोन बनाया, सबसे बढ़िया जोन बनाया, देखिए इस जोन में सबसे बढ़िया जोन बनाया, तो इस जोन को तोड़ा, तब समझो इसको फिर मैंने क्या बोला 21,666, ओके यहाँ तक लेके आ सकता है। और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा 21,555, तो ये टारगेट भी हमारे लिए निकल के आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक का और इसके पहले यहाँ तक, तो ये सब टारगेट हमारे लिए निकल के आ सकता है। और ऊपर की तरफ गया तो इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करने के बाद ही ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसके पहले नहीं, ओके। कल है फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में देखेंगे क्या, चलिए फिन निफ्टी में मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कल फिन निफ्टी है, बहुत सारे लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और देखिए एक्सपायरी में उतना ज़्यादा मतलब आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए, तब भी मैं बोलता हूँ जब बैंक निफ्टी या तो ट्रेड होगा आपको अच्छे तरीके से, तभी आप लोग ट्रेड करना। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सबसे बढ़िया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एक सपोर्ट बना रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से सपोर्ट को देखना, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। चलिए तो फिन निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो है यहाँ पे एक मतलब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इस सपोर्ट को अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि देखिए बार 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 यहीं पर रेजिस्टेंस लेके मतलब यहाँ पर आके फिर से गिरावट आए थे, तो उसके ऊपर क्लोज कर रहे थे, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो ठीक है, नीचे की तरफ आया तो फिर ये सब लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ तक, 21,222 तक, ओके 21,222 तक ये निकल के आ सकते हैं। जब भी 33,355 को निकल दिया तो हमारे लिए टारगेट 21,222 तक आ सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना और इसको नज़र में रखना। तो शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात हो गया एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।